सकता है कोई लिविंग थिंग्स भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी, मतलब कि जो उसके अपनी जीवन के अनुसार होती है, उसमें जो है आप एक दूसरे आइटम को अटैच करके कोऑर्डिनेशन से किस तरीके से यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे जैसे कि बाइक, बाइक के ऊपर बैठा हुआ कोई भी कैरेक्टर हमारा होगा, कार, कार पे कैरेक्टर होगा, या कोई चीज़ जैसे कि हथियार उसके साथ यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये क्लिक करते हैं न्यू कार्टून पे, जैसे कि हमें कार्टून बनाना है तो क्लिक तो करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ये मैंने न्यू कार्टून पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है शो हो गई। अब मैं HD स्क्रीन वगैरह सेट करूँ ये आपको दिखाने के लिए तो कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो जो है आएगी तो है नहीं। तो ये रही HD स्क्रीन। ओके, यहाँ पे क्लिक हो गया, हमारा ये सेट हो गया। इसके बाद हम कार्टून कैरेक्टर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कार्स का एक पैक है जो मुझे नेट पे मिला था, जो कम्युनिटी द्वारा दिए लोगों में किसी ने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले एक बाइक ले लेते हैं। ये हमारी बाइक ले ली हमने, काफ़ी शानदार बाइक बनाई हुई है, बिल्कुल घोस्ट राइडर की बाइक की तरह है। थोड़ा इसको सीधा कर लो, ठीक है, ये हमारी बाइक हो गई। ओके, जैसे कि हमारी बाइक है, ठीक है। इसमें अब हमारे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि जो बड़ा ऑरेंज पॉइंट है वो हमारा मास्टर पॉइंट होगा ही, क्योंकि जब ये अटैच हो सकता है। इसके बाद ये हमारा रोटेट पॉइंट हो जाता है, दूसरा पॉइंट। इसके बाद ये हमारे टायर्स को घुमाने के लिए, इधर घूमेगा टायर्स तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब हमें चाहिए कैरेक्टर, तो हम इसमें स्टेट भी हैं जिसमें आगे छुरियाँ निकल जाती हैं, हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, इसलिए स्टेट 0 पे रखेंगे। अब हमें कैरेक्टर चाहिए, तो इसमें तो बाइक ही बाइक है, एक बाइक और ये ले लेते हैं। काफ़ी शानदार बाइक लग रही है, लव दो बाइक, मतलब काफ़ी शानदार चीज़ें इन लोगों ने बनाई है। ये एक कोई सा, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, कोई सी मूवी थी उसी का ये जो इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा, ये एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, सॉरी, पहले उनको डी अटैच करना पड़ेगा। ये इसका मास्टर पॉइंट यहाँ दिया इन लोगों ने, काफ़ी बेकार किया ही, मतलब इससे कैरेक्टर अटैच होगा वो यहाँ होगा। जिस बाइक का मुंह किधर है, फिर चलती किस साइड है। चलो ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। अभी इंसर्ट करते हैं कैरेक्टर को। अच्छा, इसमें भी स्टेट हैं, इसके स्टेट और चेक कर लेते हैं, रेड और ग्रीन। और तो ये उसी मूवी से ली है वो भी, ठीक है। इसका नाम भी मोटो कुछ है, मोटो ही लिखा उन्होंने, और कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ठीक है। कॉमन आइटम में जाते हैं तो हमें, ठीक है, सुपर हीरो को ही ले लेते हैं, ज़्यादा किसी को ज़्यादा दूर नहीं जाते अपन, ठीक है। इस बाइक को भी साइड में रखो, इसको हमें नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाई है, दूसरे की बनाई हुई बाइक है। और ये कैरेक्टर भी जो दूसरे का बनाया हुआ है, सिंपली इसको पहले फ्लिप करेंगे। जैसे मिस्टर के मास्टर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, ये अटैच हो जाएगा इस पॉइंट से, और इसकी जो एक पैर है, दोनों पैर इसी साइड आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट हम इसको छुपाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका फ्रंट पैर भी हम इधर ही ले आते हैं, और थोड़ा सा बॉडी को पीछे, ये हाथ को अटैच किया, ये दूसरा हाथ को अटैच किया, और ये हमारी गाड़ी पे जो गुड्डा तैयार हो गया। थोड़ा सा पैर को ऊपर, दूसरा पैर भी ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी पे गुड्डा बैठ चुका है और ये अटैच हो चुका है। अब हम कैरेक्टर को सिंपली मूव करेंगे यहाँ से, और जो हमारी बाइक चलते हुए जाएगी स्लाइटली। तो हमने पहला फ्रेम सेट किया, हम थोड़ा सा आगे गए हमारी बाइक की मूवमेंट। अभी हम स्लो मोशन में चलाएंगे, हमारे कैरेक्टर को गाड़ी चलाना नहीं आती। इतना टायर घुमाया, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, बीच में टायर कहाँ कहाँ किस साइड घूम रहा है।
ग्रिड व्यू से हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी जो बाइक है उसका हमें पता रहेगा कि वो इसी लाइन में थी, किसी दूसरी लाइन में नहीं गई है। ठीक है, लात मत मारो। अब हम इसे प्ले करके दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, सिंपली बाइक चल रही है और हमारा कैरेक्टर बकायदा बाइक चला के जा रहा है, वट एवर इट इज, धुड़म धुड़म। या बीच में टायर रुक गए थे, कोई नहीं। अब जरा हम इस बाइक की टेस्टिंग कर लेते हैं आंखों के सामने। हाँ, ये हमें एनिमेशन में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, सिंपली बाइक कहीं से उठाओ, कहीं से रुक, फर्क नहीं पैंदा हमारे लिए। तो कैरेक्टर को डी अटैच मूव करा। ओ, इसका मास्टर पॉइंट यही है। ठीक है, ये बाइक कुछ, इस बाइक के लिए पहले डी अटैच करो, बाइक को बड़ा करो, इसमें टायर घूमने का पता तो चलेगा ही नहीं। अच्छा चलेगा, वाह, मतलब काम किया है अच्छे से। थोड़ा कैरेक्टर और छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा कर दो। और इसमें जो है पाँव पीछे, क्या बाइक है भाई, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कुछ, क्या कौन बनाता है ऐसी बाइक है। पता नहीं कैसे चलेगी बाइक, बट चलानी तो पड़ेगी। ठीक है भाई, तुम बाइक आगे बढ़ जाओ, बिना टायर घुमाए तुम पीछे आओ। ठीक है, अगले फ्रेम आ गए, माफ करना दोस्तों, क्योंकि अपन को पता नहीं है गाड़ी किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में जाती है। फिर से प्ले करके देखते हैं, ये बाइक चलाई हमारी, यहाँ से बाइक स्विच हुई और ये बाइक के साथ चला गया। और बाकी बकवास लगी बाइक, मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे वापस चाहिए इस बाइक की मुझे, ऐसे खरीदी नहीं, फ्री में थी, फिर भी पैसे वापस चाहिए मुझे।
ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर को किसी भी चीज़ के साथ अटैच करने से पहले उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो मुझे नहीं थी, बट ठीक है आपको होगी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे। तो यहाँ पे डी अटैच, लीट, डिलीट, और ये वाइल भी हमारी होती है डिलीट। तो यहाँ पे सिंपली हमने भी कार कभी बाइक के साथ अटैच किया। तो ये था हमारा किसी भी कैरेक्टर को अदर कैरेक्टर को सॉरी आइटम को किसी अदर आइटम के साथ अटैच करके यूज़ करना। तो अभी हम यूज़ करेंगे, वापस से कैरेक्टर लेंगे, तो ब्लैक विडो हाथ नहीं इसके, इसके स्टेट होंगे फिर तो हाथ के नहीं, फिर हाथ अलग ही क्यों दिया है, समझ में नहीं आता मेरे को उन लोगों का भी कभी। ठीक है चलो जाने दो, चलो मुझे जाने दो, मोरे सा भरिया अलग ना चाहे आज किसी की नजरिया, चलो मुझे जाने दो। ये क्या भाई, सारे पॉइंट से मुंह तो एक ही चीज हो रही है। ओके तो हम इंसर्ट करते हैं कोई भी एक वेपन हथियार, हैमर विथ स्पाइक, सामने वाले को ना पड़ जाए। ये हमारे एक हाथ पे हमारा अटैच हो गया, और आप देख सकते हैं ये सिंपली यहाँ पे चीज़ें तोड़ने के काम में आएगा, तो हम इसे इसी काम में लेते हैं। उसके साथ ज़्यादा अटैच मेरे हिसाब से इसको पहले डी अटैच करो। हमारे के कुछ स्टेट हैं देख लेते हैं, दो तीन घूम जाता है मतलब कि। ओके इसे डिलीट करो, अब हम इंसर्ट करेंगे अमंगस के में से ले लो एक अधिक ब्राउन को ले लो, जिसके हाथ ही नहीं है बट अटैच तो हो ही जाना चाहिए। डड़म 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 डड़म। ओके इस तरीके से आप चीज़ों को अटैच कर सकते हैं, उनके साथ खेलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।